भाई ओ ये क्या हुआ, दूसरी साइड से लीक हो गया। 17 पेंसिल हमने डाली है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मेरा नाम है ना मेहंदी, आप मेरा चैनल देखिए जिसका नाम है ना फन लिस्ट है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट। जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो आप भी अपने घर में इजीली कर सकते हो, और उसके लिए जो सामान चाहिए वो भी आपको अवेलेबल होगा घर पे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली अपने घर पे बिना अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में भी कर सकते हो। तो ये साइंस एक्सपेरिमेंट पूरी की पूरी तरह रिस्क फ्री है, सेफ है बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। फन भी कर सकते हो, फन भी कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आप एंजॉय कैसे कर सकते हैं। लर्निंग भी है, एंजॉय भी है, फन भी है, मस्ती है, सब कुछ है। तो है ना, आर यू रेडी? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ होममेड साइंस एक्सपेरिमेंट, रिस्क फ्री बच्चों के लिए। कितने छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो कि बड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आज हम साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो आज हम तीनों भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम हना के साथ करेंगे, हम तीनों मिलकर एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? यस। तो चलिए अब हम करते हैं अपने साइंस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट साइंस एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, वो करेंगे हम इन कप्स के साथ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो कि क्या हम इन कप्स के ऊपर खड़े हो सकते हैं? ये देखिए, हाँ ना, खड़े होकर दिखाती। चलो हाँ ना, इनके ऊपर खड़े होकर दिखाओ। ये देखिए, तो ये हो गया क्रश बिल्कुल। तो ये बन गया इसका हाल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन कप्स के ऊपर खड़े होंगे, ठीक है, मैं, हना और हना की मम्मी। लेकिन कैसे खड़े हो सकते हैं हम इन कप्स के ऊपर, आज हम वो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि अभी हना ने दिखाया कि हम सिंगल कप के ऊपर नहीं खड़े हो सकते। तो हम, तो अगर हमें इन सारे कप्स के ऊपर खड़े होने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना वेट इन सारे कप्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो यही तो है साइंस। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम इन छोटे छोटे पतले पतले कप के ऊपर कैसे खड़े हो सकते हैं। पतला का पतला और मोटा का मोटा बंदा कैसे खड़े हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना साइंस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। हम अपना पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले हैं इन कप्स के साथ। तो हम सबसे पहले इन कप्स के साथ एक बेस बनाएंगे, या फिर बेड, या फिर बेड बेड बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने आपको दिखाया कि हम एक सिंगल कप के ऊपर तो खड़े हो नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपना सारा वेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनका एक बेड बनाना पड़ेगा। तो अब हम करने वाले हैं, अपने इन कप के साथ बेड बनाएंगे और उन कप्स के ऊपर रखेंगे ये कार्डबोर्ड, और फिर हम खड़े होंगे इस कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो चलिए चलो जी, तो अब हम ये बना रहे हैं एक छोटा सा बेड या फिर केक। चलो जी, है ना, बनाओ इसके ऊपर हम अपना बैलेंस बनाएंगे। यस। चलो, तो हम यहाँ पर सिंगल कप भी रख सकते हैं या डबल भी रख सकते हैं, ठीक है। जितना हैवी पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने कप्स का यूज कर सकते हैं। तो चलो, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अब हमारा यहाँ पर एक छोटा सा बेड रेडी है, और अब हम रखने वाले हैं इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड। और इसके ऊपर सबसे पहले कौन खड़ा होगा? मैं। ये हना को सबसे पहले हम खड़ा करेंगे, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो करने आ रहे हैं पहलवान, छोटे पहलवान। चलिए देखते हैं ये पहलवान इसके, अब हम रखते हैं इसके ऊपर अपना कार्डबोर्ड। बहुत डर लग रहा है। तो जैसे कि हना ने पहले दिखाया था कि वो सिंगल कप के ऊपर खड़ी हुई थी और इसका कप हो गया था क्रश बिल्कुल, ठीक है। तो हना, आर यू रेडी? Yes. I am ready. ठीक है, हना की मम्मा को यहाँ पर मैंने बिठा के रखा है ताकि अगर ये गिर जाए तो पकड़ ले। चलो पहलवान जी, चलो जी खड़े हो। ये आ गई पहलवान, आ गई, हो गया खड़ी, वेरी गुड। मजा आ रहा है, डर भी लग रहा है। जैसे आपने देखा कि हना तो यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, अब हम करेंगे हना की मम्मी को खड़ा। हो गया, मेरी पहलवान मम्मा खड़ी हो गई है, और ये कप शायद पिचक ही रहे हैं नीचे, नहीं रहे हैं ये। तो मेरे प्यारे पापा आने वाले हैं, इन कप्स के ऊपर खड़े होने वाले हैं। तो देखते हैं ये कप्स मेरा वेट बियर कर सकते नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं भी इन कप्स के ऊपर खड़ा हो सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी तक हमने ये सिंगल फ्लोर बनाया है, और उसके ऊपर हमने तीनों ने खड़े होने की कोशिश की और खड़े भी हो गए। तो अब हम बनाते हैं इसके ऊपर एक और फ्लोर, और हम उसके ऊपर फिर दोबारा से खड़े। तो
हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो कितना सक्सेसफुल होता है। हाँ जी, तो अब हम बना रहे हैं सेकंड फ्लोर, उसके उसके बाद हम बनाएंगे थर्ड फ्लोर भी। आप देख पा रहे हो अब हमने सेकंड फ्लोर भी रेडी कर दिया है, तो अब हम इसके ऊपर खड़े होने वाले हैं। तो सबसे पहले हना खड़ी हो गई, तो चलिए हना खड़े हो जी इसके ऊपर। फ्रेंड्स अब मैं आ रही हूँ, अब हो रही है हना खड़ी इसके ऊपर, है ना। अगर आपको हमारी हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हो। क्या बात है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हना सेकंड फ्लोर के ऊपर भी खड़ी हो चुकी है। इसमें किसका कमाल है, हना का कमाल है कि कप्स का कमाल है? कप्स का, ठीक है। तो साइंस से देखो ये हना सेकंड फ्लोर के ऊपर भी खड़ी हो। ये है। अब हम बनाएंगे इसका थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर, तो चलिए बनाते हैं थर्ड फ्लोर। चलो हना उतरिए। देख रही हूँ हमारा थर्ड फ्लोर बनके तैयार हो गया है और हम रखने वाले हैं इसके ऊपर कार्डबोर्ड और हना इसके ऊपर होगी अब खड़ी। फ्रेंड्स ये देखिए, तो हना खड़ी हो गई है इन तीन फ्लोर्स पे कप पे, और हमने सिर्फ कप्स और कार्डबोर्ड यूज किए हैं। तो हना कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, डर भी लग रहा है। फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि हम अपना वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं इन पतले पतले कप्स के ऊपर और कैसे हम उनके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ये हमारा ये एक्सपेरिमेंट कैसे लगा, है ना। आपको कैसे मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखो ये तो ऊपर खड़ी हुई है आराम से, इतनी ऊपर बहुत लंबी हो गई है मेरी, ये तो बहुत लंबी होगी हमसे भी। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपना सेकंड साइंस एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स आज का हमारा सेकंड साइंस एक्सपेरिमेंट है इन बैग्स और इस पेंसिल्स के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो इन बैग्स में वाटर है और ये वाटर मैं हना के ऊपर फेंकने वाला हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इसमें हम डालने वाले हैं पेंसिल। अगर हम नॉर्मली ऐसे पेंसिल डालें तो इसमें होल होकर सारा पानी बाहर आ जाएगा, राइट। ये आपको पता है, आपने सब कुछ देखा भी होगा अपने घर में कि अगर करा भी होगा, करा भी होगा कि ये जैसे ये बैग है थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर शार्प ऑब्जेक्ट या होल लगाए तो पानी ये सारा हना के ऊपर गिर जाएगा, है ना। लेकिन आज हम कुछ मैजिक करने वाले हैं जिसको हम साइंस एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए शार्प शार्प पेंसिल्स हैं हमारे पास बहुत सारी, और ये सारी पेंसिल्स हम इन पानी से भरे हुए बैग में डालेंगे और पानी नीचे भी नहीं गिरेगा। और क्यों पानी बाहर नहीं आएगा इसका रीजन हम आपको बाद में बताएंगे। तो ठीक है, आर यू रेडी फ्रेंड्स? यस। हना आर यू रेडी? यस। तो अब हम अपना साइंस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, और अब हम ये डालेंगे पेंसिल एक साइड से, दूसरी साइड से बाहर निकालेंगे और देखें, और हना को हम नीचे खड़ा कर देंगे। अब ये पहला कौन करेगा, इसके ऊपर पेंसिल कौन डालेगा? हना। तो ये हना पहले पेंसिल डालने वाली है पिंक बैग। चलिए हना स्टार्ट कीजिए। तो ये हना एक साइड से पेंसिल डाल रही है और देखते हैं कि पेंसिल ये दूसरी साइड से आ रही है नहीं। हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से आर पार हो गई पेंसिल। ये देखिए पेंसिल हो गई आर पार। अब हना करने वाली है दूसरे कैरी बैग में भी होल। तो चलिए हना कीजिए। तो ये देखिए ये पेंसिल जा रही है और ये निकल गई है आर पार। बहुत बढ़िया हना, वेरी गुड। तो ये देखिए ये रही पेंसिल का एक कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर, और इसमें से पानी नहीं निकला। तो अब हम आपको रीजन बताते हैं। हना क्या आपको रीजन पता है? नहीं। तो रीजन ये है गाइस, क्योंकि ये जो कैरी बैग है ये इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जब हम इसमें पेंसिल डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स इस पेंसिल के चारों तरफ आ जाते हैं और कोई भी अगर लीकेज है या होल है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, नहीं तो ये अभी फट जाता सारा पानी निकल। तो चलो अब हम डालते हैं इसमें दूसरी पेंसिल्स। ध्यान से डालना कहीं पर पानी ना निकल जाए। तो देखते हैं अभी हमने दूसरी पेंसिल भी डाल दी है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस बस ये देखिए गाइस अब हमने डाल दी है इसमें दो पेंसिल्स और अभी भी पानी हमारा इसमें से नहीं निकला। वेरी गुड। तो है ना, कितनी पेंसिल डाल दी आपने? पांच पेंसिल। तो चलो अब हम इसमें एक और पेंसिल डालते हैं तो देखते हैं कि पानी निकलता नहीं निकलता। ये जा रही है हमारी थर्ड ग्रीन कलर की पेंसिल, तो आई दूसरी साइड से बाहर आ गई। आई ध्यान से, क्या बात है। और ये दिखाइए, ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसमें तीन पेंसिल्स डाल दिए हैं,
पीछे साइड से भी तीनों हमारी सक्सेसफुल। हाँ, और पानी नहीं निकला, नहीं निकला। ये आप भी करना। और अभी ये जा रही है फोर पेंसिल। चलिए जी, ये देखिए फ्रेंड्स, फोर पेंसिल भी आ गई है। डालने वाले हैं, क्या बात है, हमने चार पेंसिल इसमें डाल दी हैं। अब डालेगी फिफ्थ, तो अब हना डालने वाली इसमें फिफ्थ पेंसिल। जा रही है इसमें, जब तक ये फटेगा जी हम डालते रहेंगे पेंसिल। ये आ गई, ये आ गई थी पेंसिल। देखिए क्या बात है, 1, 2, 3, 4 and 5। एक और पेंसिल, चलो डाल दो ये भी, फाड़ दो इसको। हाँ, जब तक ये फटेगा नहीं तब तक इसे पेंसिल डालते रहेंगे। तो कितनी पेंसिल होगी हना अभी? तो फ्रेंड्स 7 पेंसिल अभी हम डाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स वैसे भी ये कलरफुल अच्छी लग रही है। अब ये हो गया 8। यस 8। चलो 9, 8 पेंसिल्स। चलो 9 के लिए रेडी हो जाओ। 9 और ये आ गई है 10। अब डलेगी 11 पेंसिल। ये देखिए कितनी होगी हैं, 11। वेरी गुड, चलो 12। ये देखिए ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है ये मजा। 13। चलो ये देखिए 4 पेंसिल। 16 17। अबे 17 डाल तो सही। ओ, ये क्या हुआ, दूसरी साइड से लीक हो गया। 17 पेंसिल हमने डाली है फ्रेंड। तो दे फ्रेंड्स, देखा आपने इस वाले एक्सपेरिमेंट में, तो हमने हमें नहलाई दिया और बिल्कुल गीला कर दिया, बिल्कुल गीला कर दिया। और हमने बहुत एंजॉय किया। सेकंड टास्क में तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया, फर्स्ट में हना ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि सेकंड फ्लोर तक ऊपर चढ़ गई थी। राइट, मैंने दोनों में एंजॉय किया। तो हमने बहुत एंजॉय किया, आपने कितना एंजॉय किया तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारे साइंस एक्सपेरिमेंट आज दोनों कैसे लगे। और प्लीज अपने घर में भी ये दोनों एक्सपेरिमेंट जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।